अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली पंजाब। तो दोस्तों आज मैं सिटी फ़कीर वाले के एक गांव में मौजूद हूं, जहां मतलब के मैं माँ जी के पास आया हूं, जो कि बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका कमाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब के इनका जो घर है वो भी मतलब कि पानी में डूबा हुआ है बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से। तो मैं माँ जी के पास आया हूँ, इनसे मतलब कि इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं कि इनको मतलब कि इनका कमाने वाला कोई नहीं है और मतलब कि इनको कमाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेली पंजाब की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी न्यू वीडियो से बाखबर रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, कहाँ मतलब काम करती है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मतलब आपके घर कमाने वाला कोई भी नहीं है? मैं बच्चों का लोग काम करनी है, बच्चे पानी है काम करके। माँ जी मतलब के ताड़े किन्ने बच्चे ने और ताड़े शोर न फोत होए किन्ने साल हो गए? 10 साल। ते ताड़े किन्ने बच्चे ने? मेरे बच्चे 11 माशाल्लाह। अच्छा, मतलब इन्होंने बच्चों को पालन वास्ते मतलब तुम किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग काम करके बच्चे पानी आते काम करी लोगों का घर। अच्छा, उस सलाह मतलब कि तुसी लोकां दे घरां दे विच काम करदे हो? बच्चे पानी मजबूरी बहुत गरीबी करसी, बहुत गरीबी आई सारे घर में। मेरे 10 साल गए बंदे खोते हैं। उस सलाह मतलब कि तने किन्नियां बेटियां और किन्ने बेटे ने? 7 बेटियां ने, 4 बेटे ने। चलो मतलब 7 ताड़ियां मतलब के बेटियां ने और 4 बेटे। हाँ, 4 बेटे ने माशाल्लाह। तो उन्होंने उम्र हले मतलब कम उम्र ने, इन्हें नहीं है कि मतलब वो कमा सकन? नहीं नहीं कमा सकते, छोटे हैं। तो उस सलाह मतलब के ताड़ियां किन्नियां बेटियां दी शादी होगी और किन्नियां रह गईं? 6 की होगी, 1 रह गई। मतलब के उन्होंने मतलब तुसी जहेज कितों दिता उन्हां दी शादी? उस तो अलावा मतलब के गांव वाले जेड़े मतलब जिस गांव दे विच तुसी रह रहे हो ताड़े नाल किस तरह दा सलूक करदे ने? ताड़े बस इन्ना नहीं करदे, बस आदत तो जी करदे माड़ा सिंह करदे नहीं, इन्ना करदे सब। उस तो अलावा मतलब के तुसी लोकां दे घरां च काम करदे हो जिस तरह मतलब तुहानू ताड़ी लोग अमदाद करदे ने या नहीं करदे? बस थोड़ी बहुत करदे, नहीं करदे भी आसान चला रहे हो जिस तरह मतलब के ताड़ियां जड़ियां जिन्नियां बेटियां शादी जिन्ना दी नहीं हुई उन्हां दी शादी मतलब तुसी किस तरह करोगे लोकां दे घरां च काम करके या जिस तरह लोकां ने मदद कीती है ताड़ी इस तरह लोग करदे रहणगे? नहीं कि किन्ने करनी सारी मदद, कोई नहीं सारी मदद करदा, सारे वेस्ट पेंट नहीं सारी कोई मदद हुण करदा। एक बच्ची भी हैगी मामी जी, जो होई पढ़ स्कूल पाई हुण पढ़ने माशाल्लाह, एक कदे होई जिंदगी पराज करन काम दे मामले करन असीं आप ओखा सकदे नहीं, सभी लोकी करदे ने। उस तो अलावा मतलब जेड़े ताड़े 4 बेटे ने वो मतलब वो भी हले छोटे ने, मतलब उन्होंने तुसी स्कूल दे विच पढ़ा रहे हो? हाँ, स्कूल पढ़ते ने, एक छोटे काम, दो छोटे काम करते हैं, छोटे 5-5 हज़ार का, एक 5-10 हज़ार का करता है, वो भी किराए का मकान लेकर रह रहे गरीब कराची रहे काम करते हैं, ज़्यादा चलाएँ किस तरह के फिर मैं घर बैठी हूँ। तो नाजरीन मतलब के माँ जी जिस घर में रह रही हैं उस मतलब जिस मकान में ये रह रही हैं इनके पास जाती प्रॉपर जो मतलब छत होनी चाहिए वो नहीं है, मतलब के मकान जो है वो गिरने वाले हैं, कभी भी मतलब गिर सकते हैं पानी की वजह से। मकान तो डिगड़ने हैं सारा नजर आ रहा है, मकान पा रहे मकान डिगे खतरा के साथ पुत्र मकान का। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा कि घर के मतलब कि आर दोनों साइड पे जो है ना पानी है, जिसकी वजह से इनका बाहर आना जाना मतलब बहुत मुश्किल से बाहर आते जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है इनके घर के सामने और पानी की वजह से बारिशों की वजह से जो है ना इनका जो मकान है वो गिरने वाला है, इनके पास प्रॉपर अपनी छत भी नहीं है ना ही कोई कमाने वाला है। तो माँ जी मतलब एक सवाल मेरा एक होर है ताड़े नाल कि इतों के मतलब लोग ने जेड़े और मतलब तुहानू किस नज़र नाल वेखदे ने? बस जो कुछ चंगे ने कोई माड़े बस गुजारा चलाते माड़ा चंगा, कोई नहीं करते बस गुजारा हाथ चलता माड़ा चंगा, बस इदा कोई नहीं करते मित्र सारे को तमाम करते हो असं माड़ा माड़ा मकान पा लीए, कोई बच्चों को हाथ सीधा हाथ सीधा सा खर्चा पड़े सारे कोई इन्ना कोई ना दाने नहीं आटा सारे ऐसे गुजारा करते मंग पे गुजार करने मित्र तो सारी अपील करते कोई नहीं किसी मकान मेरे भरा को अमदाद दे मैं मकान पा रहा बच्चे वास्ते देखो थले आके आ बह जाते फिर असं थले आ जाते मकान के थले तो बच्चे नहीं नहीं मेरे पुत्रा जी। तो नाजरीन मतलब के माँ जी की एक आपसे दरख्वास्त है, एक आपसे अपील है कि जिस तरह आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, मतलब कि आप अच्छे घरों में रहते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं,
मतलब कि माँ जी की अपील है कि आपकी मदद से मतलब कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएं, उनके बच्चे भी काबिल बने। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप माँ जी की मदद करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए और मेरे ज़रिए माँ जी की मदद हो सके। आप मेरी वीडियो को जितना शेयर करेंगे हो सकता है माँ जी की उतनी ज़्यादा मदद हो सके। तो अगर आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और माँ जी की मदद लाजमी कीजिएगा और हमारा चैनल लाजमी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।